এখন শুনে নেব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলছেন। স্টুডেন্ট এক্সাম মে বৈঠেঙ্গে কেসে বৈঠেঙ্গে নো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নো ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং উসকা লাইফ সিকিউরিটি হ্যায় উসকা লাইফ কা সিকিউরিটি বরবাদ হো জায়েগা আগার ও কেরিয়ার কে লিয়ে যা রাহা হ্যায় তো উসকো সিকিউরিটি ভি মেরে হাম লোগো কো দেখনা কর্তব্য হ্যায় কেসে হাম স্টুডেন্ট লোগো কো জিন্দেগি খাতরা মে ডাল সকতে হ্যায় इसी के लिए पेरेंट भी है ना, पूरा पेरेंट भी है। और मैडम यहाँ एक और इशू है अभी एग्जाम का, जो नीट का है और जेई का एग्जाम का विषय है, जो इन लोगों ने इसको दे रखा है। राज्य में यूपी से भी बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने आते हैं, बिहार से भी आते हैं, आस पड़ोस के राज्य के भी लोग ये यहाँ सेंटर डालते हैं। और मुझे जहाँ तक जो जानकारी मिली है, हमारे राज्य में तो मात्र 4-5 डिस्ट्रिक्ट को इन लोगों ने सेंटर बनाया है। मतलब हमारे यहाँ जो स्थिति होगी, डेफिनेटली सारे बसेस खोलने पड़ेंगे, सारे होटल्स खोलने पड़ेंगे, सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। और जो अभी कोरोना तो मेरे दरवाजे तक आ गया है, और उसके बाद जो बच्चे आएंगे, बच्चे अकेले नहीं आते इस एग्जाम में, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मूव करते हैं, और खासकर जो गर्ल्स होती हैं और पेरेंट्स के साथ आते हैं, मतलब वो एक नहीं डबल ट्रिपल करके वो लोग आएंगे। मतलब पॉपुलेशन बहुत बड़ा होगा, जिससे संक्रमण उस समय और ज्यादा होने की संभावनाएं भी होंगी। मुझे लगता है इसमें डिले करने के लिए और थोड़ी सरकार को कुछ फैसिलेट करे केंद्र सरकार, ताकि हम लोग बेहतर तरीके से इस एग्जाम को करा पाए। नहीं तो फिर जो जिस तरीके से इन लोगों ने हर चीज से पल्ला झाड़ा है, इस केस में भी ये पल्ला झाड़ेंगे और सारे राज्य सरकार के मध्य डालेंगे कि राज्य सरकार।